ओके सो हाय गाइस दोस्तों वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि गाइस आप लोग जो है मतलब कि जो बड़े एडिटर जिनको आप Instagram पे फॉलो करते हो और जिनके आप कॉन्सेप्ट देखते हो और आप सोचते हो कि गाइस इनके जैसा अगर कॉन्सेप्ट मतलब इनके जैसा बैकग्राउंड अगर हमें भी मिल जाता है, हम भी जो है मतलब ऐसी फोटो एडिट कर लेंगे या फिर हमें इसी टाइप की बैकग्राउंड मिल जाए जो कि जिसमें हम अपना खुद का एक कंटेंट बना सके, तो ये जब क्वेश्चन है सभी के मन में आता होगा। मेरे टाइम में जब मैं एडिटिंग करता था उस टाइम पे मेरे मन में भी ये चीज आती थी कि यार मतलब मेरे को भी कहाँ से ऐसा पता चलता है कि यार ये लोग बैकग्राउंड कहाँ से डाउनलोड करते, तो मैं भी ऐसे एडिटिंग करता। बट गाइस आज की इस नई वीडियो में मैं आप सभी को वही बताने वाला हूँ कि गाइस आप लोग कैसे वो बैकग्राउंड वगैरह डाउनलोड कर सकते हो जिनमें कि गाइस आप लोग अपना खुद का कंटेंट बना के आप मतलब एडिट करके जो है आप अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में सब कुछ मैं आपको बताऊंगा एकदम डिटेल में, तो आप लोग वीडियो को जो है कंप्लीट वॉच करना। एंड बाकी गाइस आप लोगों में एक चीज पहले क्लियर कर देता हूँ कि गाइस कुछ बैकग्राउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें कि गाइस हम लोगों को जो है मॉडिफाई करना पड़ता है, मतलब कि कोई भी बैकग्राउंड हमें कंप्लीट नहीं मिलता है। तो बाकी कुछ बैकग्राउंड्स ऐसे होते हैं जो हमें कंप्लीटली मिल जाते हैं एंड कुछ होते हैं जो कि हमें बनाने पड़ते हैं। तो सब कुछ आज की इस नई वीडियो में बताऊंगा आपको मैं कि क्या रीजन है और कैसे आपको डाउनलोड करना है, तो आप लोग वीडियो कंप्लीट वॉच करना। बाकी अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो क्योंकि गाइस एडिटिंग एंड फोटोग्राफी से रिलेटेड आप सभी को इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहती, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी गाइस इंस्टाग्राम पर अगर आपने फॉलो नहीं किया तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो एक बार जाकर चेकआउट जरूर करना। बाकी चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले आप सभी को जो है अपने यहाँ पे कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्रोम ब्राउजर का यूज़ किया है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ आपको यहाँ पे क्या टाइप करना है। जो पहली वेबसाइट है उसका नाम है गाइस यहाँ पे HD wallpaper.in, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे ये टाइप करोगे आपको सिंपली यहाँ पे मतलब इतना टाइप करने के बाद जैसे आप यहाँ पे टाइप करोगे तो आपको जो है यहाँ पे एक वेबसाइट के अंदर आप एंटर हो जाओगे डायरेक्ट, जैसे ही आप लास्ट में .in डालोगे तो, ठीक है। तो इन जो भी मैं वेबसाइट का मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको सर्च भी करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे आप यहाँ पे एंटर करोगे गाइस आपके सामने जो कुछ ऐसे बैकग्राउंड्स वगैरह यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे गाइस आप बहुत से बैकग्राउंड देखोगे। तो गाइस आपको जो है पहले आपने काफ़ी एडिटर के फोटोज़ में भी देखे होंगे, तो बाकी जो आपको मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि गाइस आप ना यहाँ से वो बैकग्राउंड डाउनलोड करना जो किसी ने भी यहाँ पे यूज़ नहीं किया हो, जैसे गाइस ये वाला बैकग्राउंड, ठीक है। जैसे गाइस इसमें जो आप बहुत तरीके से फोटो एडिट कर सकते हो, मतलब इसमें बहुत से मतलब अलग अलग तरीके से अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो। बाकी आपको मैं इसको डाउनलोड करके दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से मतलब कि आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे गाइस आपको जो सारे साइज मिल जाएंगे HD क्वालिटी एंड जो भी 4K क्वालिटी, तो आपको यहाँ पे सिंपली कैसे डाउनलोड करना है आपको ओरिजिनल पे क्लिक कर देना है, यानी कि जो भी इसके ओरिजिनल साइज होगा आपको उसमें डाउनलोड करना है। देन मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ओपन करके गाइस देखो कितनी HD क्वालिटी में डाउनलोड हुआ है। अब गाइस जिसमें बाकी सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि गाइस आप इस बैकग्राउंड में अपनी फोटो को कैसे एडिट करते हो, ठीक है। बाकी आप किसी की फोटोज़ को देखो उससे इंस्पायर होकर आप इसको एडिट करो तो भी आप इसको एडिट कर सकते हो, अदरवाइज आप अपना माइंड भी लगा सकते हो। तो बाकी चलते हैं हम अपनी दूसरी वेबसाइट की तरफ। सो गाइस यहाँ पे आपका जो दूसरा वेबसाइट है उसका नाम क्या है, सो उसका नाम जो है गाइस यहाँ पे है मूवी मैनिया, ठीक है। तो जो ये मतलब ये जो वेबसाइट है यहाँ पे गाइस अगर आप हॉलीवुड कॉन्सेप्ट अगर आपको पसंद है तो गाइस यहाँ से आप जो है मतलब इससे बेस्ट जो वेबसाइट है वो कोई भी नहीं है गाइस, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है सारे जो कॉन्सेप्ट हैं आपको यहाँ पे हॉलीवुड मिलेंगे। जैसे गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे आप इस वेबसाइट के अंदर एंटर करोगे आपको गाइस देखिए यहाँ पे हर मतलब कि हॉलीवुड जितनी भी मूवीज़ आती हैं रिलीज होती हैं सबके कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हो, बाकी आप यहाँ से देख के इंस्पायर भी हो सकते हो और बाकी आप बैकग्राउंड वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो यहीं से, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मतलब कि बैकग्राउंड मिल जाएंगे हॉलीवुड कॉन्सेप्ट के, तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपको इसको डाउनलोड कैसे करना है। तो जैसे गाइस देखिए यहाँ पे मतलब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको हर एक तरीके के बैकग्राउंड मिल जाएंगे, ठीक है। जो आपको बेस्ट लगे आप उसको देख लेना, आपको जो मर्जी आप डाउनलोड कर लेना। बाकी मैं बताता हूँ आपको डाउनलोड कैसे करना है। तो आपको गाइस जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ ये वाला बैकग्राउंड, ठीक है। सो ये वाला बैकग्राउंड जो है इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो यहाँ पे साइज़ वगैरह भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको साइज़ वगैरह जो है अपनी फोटो का आपको देख लेना है एंड देन उसके बाद आपको सिंपली डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके जो उसको डाउनलोड कर लेना है। तो मैं इसको यहाँ पे डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक किया एंड गाइस एक क्लिक में डाउनलोड होगा, कोई आपको यहाँ पे ना लॉग इन करना है ना पे करना कुछ नहीं करना है, आपको बस एक क्लिक करना है डाउनलोड हो जाएगा। एंड गाइस देखो कितनी HD क्वालिटी में डाउनलोड हुआ है, जो मतलब कि पेड वेबसाइट होती है ना गाइस वो भी इतनी HD क्वालिटी में फोटोज़ नहीं देती होंगे मेरे ख्याल से। तो गाइस देखिए ये हो गया, अब इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट बना सकते हो, बाकी आपके थिंकिंग के ऊपर है, ठीक है। बाकी हमारी जो थर्ड वेबसाइट है उसका नाम क्या है वो मैं बता देता हूँ। जो यहाँ पे जो थर्ड वेबसाइट है यहाँ पे हम टाइप करेंगे वॉलपेपर फ्लायर, ठीक है। एंड का जैसे ये सब टाइप करोगे आप, जैसे आप मतलब कि यहाँ पे एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे पहली वेबसाइट मिल जाएगी, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके सामने जो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा, बाकी आप गॉट इट वगैरह कर देना जो भी अगर आपसे परमिशन मांगे तो, क्योंकि फ्री ऐप है और फ्री वेबसाइट है गाइस, ठीक है, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बाकी गाइस नियॉन कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे आप ज़्यादातर मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चाहो तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो अगर आपका कोई नियॉन कॉन्सेप्ट आप बनाना चाहते हो तो ये जो वेबसाइट है यहाँ पे भी गाइस ये भी एकदम फ्री है, कोई पेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक क्लिक में बैकग्राउंड डाउनलोड होते हैं और क्या चाहिए, है ना। और बाकी आप कॉन्सेप्ट देखो, अगर आप गाइस इंस्पायर होते हो फोटोज़ को देख के एंड देन आप फोटोज़ को एडिट करते हो तो ये वेबसाइट जो है
बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। आप यहाँ से मतलब कि कोई भी कॉन्सेप्ट देखो, उससे इंस्पायर हो, अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा एंड पीएनजीज वगैरह डाउनलोड करो, देन गाइस आप यहाँ से जो मतलब डाउनलोड कर सकते हैं फोटो। जैसे गाइस यहाँ पे मैंने इसके ऊपर क्लिक करा एंड डाउनलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक किया एंड ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। बाकी यार पीएनजी से मेरे को एक चीज़ याद आया कि अगर आपको पीएनजी के ऊपर भी वीडियो चाहिए कि आप पीएनजीज वगैरह कैसे डाउनलोड कर सकते हो भी एचडी क्वालिटी में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना, नेक्स्ट वीडियो आपको उसी के ऊपर मिल जाएगी। तो आप बाकी मैं इसको डाउनलोड कर लिया, बाकी मैं इसको दिखा देता हूँ आपकी इसकी क्वालिटी कैसी आई है। तो यहाँ पे गाइस देखिए हमने इसको डाउनलोड किया, आप गाइस देखिए इसकी क्वालिटी है ना गाइस एकदम 4K क्वालिटी में, कोई दिक्कत नहीं, एकदम HD क्वालिटी में फोटोज़ को यहाँ पे आप कैसे भी एडिट करो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी गाइस सब किस मैं मतलब आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।